नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल एस्क्लेपियस आयुर्वेदा में। दोस्तों, यदि आप इस चैनल में नए हो तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर बेल आइकन को क्लिक कर दें ताकि कोई भी अपडेट आप तक पहुंचे। और हाँ, वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करें ताकि अधिक से अधिक लोगों को आप अवेयर कर सकें। दोस्तों, वीडियो को लंबा न करते हुए आज के सेशन में हम चर्चा करेंगे कि कोई भी आयुर्वेदिक प्रोडक्ट या मेडिसिन लेते समय कौन कौन सी सावधानियां हमें बरतनी चाहिए। दोस्तों, सबसे पहले तो चिकित्सकीय परामर्श अवश्य ले लें। कोई भी प्रोडक्ट लेने से पहले या किसी को देने से पहले चिकित्सक से परामर्श अवश्य ले लें कि हम ये प्रोडक्ट लें या न लें। दूसरा नंबर, प्रोडक्ट का सही से पैकिंग है या नहीं है, कहीं प्रोडक्ट में कोई लीकेज ना हो, इस चीज़ को आप भली भांति देख लें। उसके बाद प्रोडक्ट की एक्सपायरी डेट, इस चीज़ को ज़रूर दोस्तों आप देखिए कि प्रोडक्ट कहीं एक्सपायर तो नहीं है। यदि एक्सपायर है तो वो प्रोडक्ट हमारे लिए हानिकारक होगा और जिस रिज़ल्ट के लिए हम उस प्रोडक्ट का इस्तेमाल कर रहे हैं वो रिज़ल्ट हमें नहीं मिल पाएगा। और उसके बाद हमें प्रोडक्ट कैसे लेने हैं इसकी सही विधि की जानकारी हमें होनी चाहिए। उसकी कितनी मात्रा हमें लेनी है, किसके साथ लेनी है, गर्म पानी के साथ लेना है या ठंडे पानी के साथ लेना है, खाना खाने से पहले लेना है या खाना खाने के बाद लेना है, इसकी जानकारी हमें ज़रूर होनी चाहिए। उसके बाद प्रोडक्ट कॉम्बिनेशन, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। कोई भी प्रोडक्ट लेने से पहले जान लें कि उसके साथ भी कोई प्रोडक्ट लेना है या नहीं, क्योंकि बहुत सारे प्रोडक्ट ऐसे हैं जिसका कि कॉम्बिनेशन लेना ज़रूरी होता है। जैसे थंडर ब्लास्ट, थंडर ब्लास्ट के साथ इम्यूनोडॉक और त्रिफला बहुत ही ज़रूरी होता है। ऑर्थोडॉक के साथ थंडर और जेसी ऑयल लेना ज़रूरी है, नहीं लेने पर रिजल्ट सही नहीं आता है। दोस्तों, आखिरी में बस इतना ही कहूँगा कि कोई भी प्रोडक्ट लेने या देने से पहले अपने अपलाइन से ज़रूर बात कर लें, ज़रूर संपर्क करें। तो दोस्तों, मिलते हैं नए सेशन में नए प्रोडक्ट और उसकी जानकारी के साथ। धन्यवाद।